बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए इस वक्त की अच्छी खबर यह है कि उनके अकाउंट में 7,000 रुपए चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दरभंगा गए थे और वहां से उन्होंने ऐलान किया कि सभी बाढ़ पीड़ित लोगों के अकाउंट में 7,000 रुपए जाएंगे और कल शाम ही सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद 4.5 लाख जो लोग हैं उनके अकाउंट में लगभग 360 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसके लिए पहल किए हुए, उन्होंने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दे रखा है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को जितनी हो सके उतनी सहायता दी जाए, जितनी मदद की जा सके उतना बेहतर होगा। नीतीश कुमार एरियल सर्वे करने के बाद कल दरभंगा गए हुए थे, वहाँ उन्होंने कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। इसके अलावा फूड पैकेट्स देखे कि तमाम लोगों को कौन से फूड पैकेट्स जा रहे हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आई, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में मौजूद कम्युनिटी किचन का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को भी नीतीश कुमार ने खास निर्देश दे रखा है कि आप जल्द से जल्द सभी काम को अच्छे तरीके से कीजिए। NDRF SDRF की टीम मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा जितना लोगों को मदद हो सके उतना मदद करना है। नीतीश कुमार कल जब दरभंगा से वापस आए तो सीएम आवास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी के अकाउंट में 7,000 रुपये भेज दिए। यानी कि जो परिवार बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ से पीड़ित है, उस परिवार में जितने सदस्य हैं उनके अकाउंट में 7,000 रुपये भेजे जा चुके हैं। हालांकि ये पहले चरण का पैसा है। इसके अलावा दूसरे चरण का पैसा 9 अक्टूबर को भेजा जाएगा। दूसरे चरण में जो लोग बाढ़ से ग्रसित होंगे, बाढ़ से पीड़ित होंगे, उन्हें 7,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों का फसल बर्बाद हुआ है उस फसल का मुआवजा देना होगा सरकार को। अधिकारी देंगे कितना फसल बर्बाद हुआ है, इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद लिस्ट तैयार किया जाएगा और उन तमाम लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे जिनका आशियाना बर्बाद हुआ, जिनका घर उजड़ गया, उन्हें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग से पैसे देंगे। नीतीश कुमार खुद मौके पर मौजूद होकर तमाम काम करवा रहे हैं जिसका नतीजा कल निकल कर सामने आया। कल सुबह नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया था, दरभंगा में इस बात का ऐलान किया और उसके बाद सबके अकाउंट में 7,000 रुपये जा चुके हैं। नीतीश कुमार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उन्हें कम से कम थोड़ी बहुत मदद पहुंचा सके, जो सरकार की तरफ से मदद की जा रही है वो मदद उन तक पहुंच जाए। इसलिए नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट भी भिजवा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद सेना वहाँ से फूड पैकेट नीचे गिराती है और उसके बाद लोगों के पास वो फूड पैकेट पहुँचता है, उसकी भी तस्वीर निकल कर सामने आई थी। कोशी बराज, वीरगंज बराज और वाल्मीकि बराज खुल जाने के बाद बिहार में बाढ़ की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। नेपाल ने पानी खोल दिया है और वो पानी सीधे बिहार आ गई है। बिहार में अभी भयावह स्थिति थोड़ी ठीक हुई थी, थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से वहाँ का पानी सीधे बिहार आया और एक बार फिर से बिहार में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।